कर्णा जागर प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश तथ्य सार वर्ष 2022। ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसको परचेस कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। जैसा कि गाइस हम लोग देखते हैं कि अधिकांश यूट्यूब चैनल या अन्य प्लेटफॉर्म पर इसको PDF फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है और जो कहीं ना कहीं पढ़न पाठन की स्थिति में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने इन सारे कंटेंट को स्लाइड पे कन्वर्ट किया है आप लोगों की बेहतर सुविधा के लिए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। और बुक फॉर्मेट को जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आपको जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है उसी के अनुसार क्रमवार सारी कक्षाएँ इसमें संचालित रहेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे, टॉपिक नंबर है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले और उनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। ये आपका लास्ट जो पेज सेगमेंट देख पाएंगे आप लोग 171 से 76 तक, है ना। देखिए प्रमुख जिले हैं और उनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं, पेज नंबर आप ये ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद ज़रा समझें इसमें। जैसे लखनऊ रीजन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो लखनऊ के संदर्भ में आप लोग क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। लखनऊ के संदर्भ में देखिए, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है, ठीक है, गोमती नदी के तट के किनारे पर अवस्थित है। लखनऊ मंडल से संबद्ध जिलों की संख्या कितनी है, 6 है, जिसमें उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी और प्रदेश की राजधानी ये है ही है। तो 6 जिले लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। उसके बाद विधानसभा की बात करें, विधानसभा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ये इनकी खंडपीठ है यहाँ पे, ठीक है, विधानसभा भी यही है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, प्रशिक्षण केंद्र न्यायिक अनुसंधान बोलेगा तो लखनऊ, ठीक है जी। उसके बाद प्रदेश के 6 औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से एक स्थित यहाँ पे है, और उसके बाद राज्य स्तरीय सौर ऊर्जा पार्क भी लखनऊ में है, यानी ये वो सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं जिनका संबंध लखनऊ से है। तो इसको एक नज़र में देख के आप लोग कवर करें, इसमें कई सारे पॉइंट आपको दिए होंगे बुकलेट में, उनमें महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ हम लोग बात कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एशिया का प्रथम DNA बैंक कहाँ है, लखनऊ। फॉरेंसिक लैब की बात करें तो 2 में से 1 लखनऊ में ही है। साइबर थाना ये भी आपका 2 में से 1 लखनऊ के अंतर्गत ही है, ये लखनऊ का रीजन आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। देखिए बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, एक रीज़न यहाँ पे और है जो लखनऊ के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये आप लोग देख पाएंगे। देश का पांचवा मेमोरी लैब लखनऊ में ही है। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क ये प्रस्तावित है लेकिन लखनऊ में ही बनेगा। प्रदेश के 3 हज हाउस में से 1 लखनऊ में अवस्थित है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। रमाबाई अम्बेडकर मैदान ये भी लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, कृषि संयंत्र कारखाने, जामदानी, जरदौजी, चिकन का काम, ये सब लखनऊ के संदर्भ में है। गजक एवं रेवड़ी का उद्योग है ना, लखनऊ की रेवड़ी आपने सुना होगा, वो खाई भी होगी, यहीं की प्रसिद्ध है, यहीं से कहीं ना कहीं इसका संबंध है। देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आगे पॉइंट वही वाला जो हम लोगों ने बात की थी लास्ट सेशन में। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स लखनऊ, ठीक है। पशु जैविक औषधि संस्थान, औषधि आ गया। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान ये आपका संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो कोयम्बटूर है, ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अगर आपसे राष्ट्रीय स्तर पे पूछा जाएगा तो ये आप लोग आंसर करेंगे कोयम्बटूर। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो लखनऊ है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी आपका लखनऊ में ही है। उसके बाद देखिए नेशनल बायो बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये सब आपके लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जिसका संबंध भी लखनऊ से ही है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, सब लखनऊ में है। महाराजा बिजली पासी का किला ये भी यहीं है, काकोरी ये भी यहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़, प्रदेश में आदर्श कारागार ये 1949 से बना हुआ है, लखनऊ में ही है। नारी बंदी निकेतन 1867 से लखनऊ में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान 1940 से बना है, ये भी आपका लखनऊ में भी है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय साइंस सिटी आई
आईटी सिटी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, जैविक प्रौद्योगिकी पार्क, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन सब का संबंध कहीं ना कहीं लखनऊ से फैक्चुअल पॉइंट है। एक नज़र में आप लोग इनको कवर कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम है ना, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, एग्रो पार्क, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ये सब आपका लखनऊ में है। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ में ही संबंध है इसका। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, KD सिंह बाबू स्टेडियम, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान और उत्तर प्रदेश जैन विद्याशोध संस्थान लखनऊ, ठीक है। उसके बाद रीजनल फूड रिसर्च और एनालिसिस सेंटर मेसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई द्वारा लखनऊ में कूड़े कचरे से 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगाया जा रहा है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र, ये सब कुकरेल वन, ये सब कहाँ है, लखनऊ के अंदर अवस्थित है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या अधिक आबादी वाले प्रदेश नगरों में प्रथम स्थान है लखनऊ का। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये भी यहीं है, आपने देखा होगा अभी जब विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए तो योगी आदित्यनाथ जी ने यहीं पर शपथ ली और जो अन्य मंत्रीगण थे इकाना स्टेडियम में शपथ ले रहे हैं, कहाँ है, लखनऊ, चर्चा में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बिल्कुल हाईलाइट रखें, अभी यहाँ पे विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद यहाँ पे शपथ समारोह हुआ है। कला एवं संस्कृति से संबंधित अकेडमी राज्य ललित कला अकेडमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, भारतेंदु नाट्य अकेडमी और राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये सब लखनऊ में है। तो लखनऊ के संदर्भ में जो जो चीज़ें थी वो आपने देखी, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने बात करी। अब हम बात करते हैं प्रयागराज के ऊपर, ठीक है। प्रयागराज में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्रयागराज के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, JB पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान झुंसी में है, प्रयागराज में ही है, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और प्रयागराज बमरोली हवाई अड्डा। आपके पास प्रश्न ऐसे आएगा बमरोली हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है, तो प्रयागराज। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका प्रयागराज। अब देखिए प्रयागराज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भदोही, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ये सब कहना कहीं इसके साथ सीमा साझा करते हैं। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, जवाहर नक्षत्रशाला, जो आनंद भवन है मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, ये भी कहीं ना कहीं आनंद भवन प्रयागराज में है। कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी है प्रयागराज। साप्ताहिक पत्र राष्ट्रभाषा संदेश प्रयागराज का ही है। इफ्को फूलपुर में है, ये भी आपका प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला होने के साथ साथ ये सब प्रयागराज के संदर्भ में संबंध रखते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है यही प्रयागराज, यहाँ से 12 सीटें अलॉट हुई हैं विधानसभा के लिए, ठीक है। सबसे कम सीटें कहाँ से हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। उसके बाद औद्योगिक नदीकरण की बात करें, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान या उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर मध्य रेलवे का, ये भी आपका इलाहाबाद है, प्रयागराज है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन जिसको कोर नाम से जान रहे हैं, तो कोर का मुख्यालय ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिला भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद भारद्वाज आश्रम अक्षयवट अकबर किले में जो स्थित है, ये भी आपका प्रयागराज से ही संबंध रखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, भारत पंप और कंप्रेसर्स लिमिटेड, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म ITI, ये सब आपके प्रयागराज में ही है। यानी प्रयागराज इलाहाबाद के संदर्भ में जो आप लास्ट पेज देख पा रहे होंगे उसमें आपको छोटा सा डायग्राम दिया गया है और उसके संदर्भ में एरो करके कुछ पॉइंट कुछ बिंदु उसमें स्थापित किए गए हैं, उसको आप लोग समझिए। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो भारत, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका है, अमृत प्रभात है और यूनाइटेड भारत है। निराला आर्ट गैलरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है निराला आर्ट गैलरी, हालांकि सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं लेकिन जो जिनके आने की संभावना ज़्यादा है उसके ऊपर हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र की बात करें तो सांस्कृतिक केंद्र, ये भी आपका प्रयागराज ही है। प्रयाग संगीत समिति, राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी अकेडमी, भारतीय भवन पुस्तकालय और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये सब यहीं पर अवस्थित हैं। राजकीय मुद्रणालय की बात करें तो प्रदेश में 4 में से 1 प्रयागराज में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सूचना टेक्नोलॉजी पार्क या IT सिटी जिसको बोल रहे हैं प्रस्तावित है, लेकिन कहाँ प्रस्तावित है, प्रयागराज,
ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जिसको आप लोग STPI के नाम से जानते हैं, ये भी प्रयागराज में है। जो बच्चे प्रयागराज रहते हैं अगर वो तिलियरगंज गंगा पुल को क्रॉस करते हैं तो आप देखेंगे इसका मुख्यालय वहीं पे देखने को मिलेगा। इसका जो मेन सेंट्रल, जो मेन केंद्र है इसका, ऑफ कह सकते हैं हेड ऑफिस है, वो नोएडा है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद में भी ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। राज्य द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकास धीन है, जो कि राज्य के 5 शहरों में से एक सामने आ रहा है। मासिक पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो अध्यात्म है, बाल सखा है, कहानी कथा, हिंदुस्तानी, समसामयिक, घटना चक्र, नवत्र समाचार पत्र, ये सब कहीं ना कहीं प्रयागराज में है, ठीक है जी। ये नाम आप देख रहे होंगे, यहीं आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। चलिए अगले लोकेशन की तरफ बात करें तो आगरा, इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे मथुरा है, हाथरस है, फिरोजाबाद है और कुछ अन्य जिले हैं, तो इनको आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। आगरा के साथ सीमा कौन कौन साझा कर रहे हैं, देखिए कन्हैयालाल मणिकलाल, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, कार्यरत फॉरेंसिक लैब लखनऊ के साथ आगरा में भी है, एक लखनऊ में भी है, एक आगरा में भी है। साइबर थाना प्रदेश में ये दूसरा है, साइबर क्राइम हेतु साइबर लैब यहीं पर बनी है। कीठम झील, कीठम झील इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सूर सरोवर पक्षी विहार अभी हाल ही में इसको कहीं ना कहीं आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, रामसर साइट में शामिल किया गया है सूर सरोवर पक्षी विहार, तो ध्यान रखेंगे आगरा। साप्ताहिक पत्र है यहाँ पे प्रेम प्रचारक, ठीक है, केंद्र द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में ये विकासधीन है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क IT सिटी ये प्रस्तावित है, ये आगरा में। मासिक पत्र पत्रिकाएं की बात करें तो छात्र शक्ति, नोकझोंक, प्रतियोगिता दर्पण, साहित्य लोक है ना, साहित्य संदेश, विज्ञान लोक, जो प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ते हैं वो कहाँ की है, आगरा की है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें अमेठी, देखिए अमेठी के साथ जो 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 क्षेत्र सीमा साझा कर रहे हैं वो ध्यान रखें, एक तो फैजाबाद है, बाराबंकी है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है और सुल्तानपुर है, ये अमेठी के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ से प्रश्न सिंपल सही आ सकता है, हालांकि अधिकांशतः लखनऊ के बारे में पूछा जाता है कि लखनऊ के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन जो जो लोकेशन पे हम बात कर रहे हैं इनके जिलों को भी जरूर ध्यान रखें, जो कहीं ना कहीं चर्चा में भी हैं और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जायसी स्मारक है ना, टीकर माफी आश्रम, CRPF के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, अमेठी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी ये भी आपका अमेठी में है। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, अमेठी। चीनी उद्योग यहीं पे है, AK-47 राइफल निर्माण इकाई अमेठी में बनाई जा रही है और ये चर्चा में भी थी। ये छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप AK-47 में ये जो AK लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी, ये पूछी जा चुकी है, ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये भी कहीं ना कहीं आपका अमेठी में है। अगला लोकेशन देखेंगे गोरखपुर और इसके साथ कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, मऊ, देवरिया, इतने क्षेत्र इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं गोरखपुर के साथ, ठीक है। श्रावती नदी के किनारे पर स्थित है, पहला पॉइंट ध्यान रखें। न्यू गोरखपुर आवासीय योजना यहीं से चलाई गई है, नाम से पहचान लेंगे तो ये कभी ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं जो आप नाम से पहचान पाएँ, है ना, तो वो चीज़। अपैरल पार्क की स्थापना यहीं की जा रही है, अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है अपैरल पार्क। टेक्सटाइल पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर और सरयू महोत्सव ये यहीं से बनाया जाता है, क्योंकि अधिकांशतः जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरयू नदी के तट पे अयोध्या अवस्थित है, तो अगर आपके सामने प्रश्न आएगा कि सरयू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो अयोध्या नहीं लगाएंगे, गोरखपुर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। खिचड़ी मेला, गोरखनाथ मंदिर, नाथ संप्रदाय का जो सिद्धपीठ है, गीता प्रेस, गीता वाटिका, रामगढ़ ताल, ये सब आपका कहीं ना कहीं गोरखपुर में है, ठीक है। FCI इसे पुनः प्रारंभ किया जा रहा है, कहाँ पे, यहीं पे गोरखपुर में। सोगोरा चौरी चौरा गोरखपुर में है, फुटवेयर उद्योग, स्प्रिट व शराब के उद्योग जो हैं, और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय ये आपका गोरखपुर है। अगला लोकेशन देखिए गाजियाबाद, अगला लोकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे गाजियाबाद, अब यहाँ ध्यान से देखिए बागपत, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर ये इसके साथ सीमा साझा करते हैं। यहीं पर दिल्ली है, दिल्ली इसके साथ सीमा साझा कर रहा है, इसको साफ लिख देते हैं दिल्ली, ठीक है जी, दिल्ली यहाँ पे इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। गाजियाबाद जो है वो मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखें। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 18 मंडल है टोटल, और 18 मंडल में एक मंडल है मेरठ मंडल जिसमें गाजियाबाद आ रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी आपका गाजियाबाद ही है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे दिल्ली NCR के साथ लगा हुआ है,
और सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलती है, जनसंख्या घनत्व यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र, जिसे नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के नाम से जान रहे हैं, ये गाजियाबाद में ही है। अगला देखिए, सर्वाधिक नगरीकृत जिला यही है, ट्रोनिका सिटी, हज हाउस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओखला पक्षी विहार, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा पर अवस्थित है ओखला पक्षी विहार, ठीक है। क्लॉथ यानी कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, गाजियाबाद। अगला देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखें मेरठ। अब मेरठ के साथ कौन कौन जिले सीमा साझा कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर, ये इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ये आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे। अब चीनी उद्योग के लिए विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है मेरठ। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे कई बार फंसाता है, जो पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिले किसकी हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिले किसकी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चीनी, सबसे ज़्यादा मिले चीनी की है, ठीक है जी। और चीनी की मिले सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो आपका आंसर जाएगा चीनी, लेकिन अगर चीनी की सर्वाधिक मिले पूछ लेगा कहाँ है तो आंसर बदल जाएगा, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि चीनी की देखिए शब्दों से आपको संभल के चलना पड़ेगा, चीनी की सर्वाधिक मिले कहाँ हैं और ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सर्वाधिक मिले कहाँ हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र, ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत स्टील रोलिंग मिल, ट्रांसफॉर्मर कारखाना, होजरी एवं वस्त्र उद्योग, आलमगीरपुर, ये ऐतिहासिक स्थल है मेरठ में ही है। आप लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मांडा है ना, उसके बाद सुतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में है पाकिस्तान में, दहमाबाद महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, मेरठ में एक फ्लाइंग स्कूल भी है, मासिक पत्र पत्रिकाएँ बहुरंगी मारतंड यहीं से हैं, नौचंदी मेला, सरघना मेला सब यहीं से है, खेल उपकरण निर्माता केंद्रों में नेल्को स्टैग इंटरनेशनल कंपनी यहीं की है। मेरठ मंडल के अंतर्गत इसमें आप देख पाएंगे 6 जिले आते हैं, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़, ये 6 जिले इस मंडल के अंतर्गत शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन ये भी यहीं पे है, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा, खेल सामान के लिए प्रसिद्ध है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का कुछ भाग मेरठ में भी आता है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मेरठ में भी है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध नगर। अब गौतम बुद्ध नगर के साथ गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और अलीगढ़, ये कहीं ना कहीं इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है जी। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब मेरठ मंडल के अंतर्गत ये भी आ रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नोएडा। नोएडा के पास हिंडन नदी यमुना नदी में जाके मिल जाती है, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान यहीं पे है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी कहीं ना कहीं यहीं है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फॉर्मूला 1 की जो रेस स्थल है वो भी गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क ये भी यहीं है। टॉय सिटी, राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो कि निर्माणाधीन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान ये भी यहीं है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये निदेशालय ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर में ही है। राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ऑटोमोबाइल उद्योग, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये भी यहीं है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय, नॉलेज पार्क, वेब सिटी, देखिए हमने बात करी थी इसके ऊपर, ये सब आपका गौतम बुद्ध नगर में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा के अतिरिक्त यहाँ पे है। उसके बाद भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क भी यहीं है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर जो कि निर्माणाधीन है ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। अगला लोकेशन देखिए मथुरा। मथुरा लोकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, मथुरा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद मथुरा जो है गौतम बुद्ध नगर के साथ सीमा साझा कर रहा है, हाथरस, अलीगढ़ और आगरा इन सब के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। मथुरा में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो समझिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये पूछा जा चुका है बेटा, ध्यान रखेंगे, मखदूम मथुरा में ही है। मथुरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, आगरा मंडल के अंतर्गत शामिल है। पेंटिंग उद्योग, राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय और पेड़ा नगरी यहीं पे है, जो आप पेड़ा खाते हैं आगरे का पेड़ा वही है ना, पंछी के पेठे बड़े यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, पंछी का पेड़ा। पाणा नगरी उत्तर प्रदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा यहीं पे है। विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गौ अनुसंधान संस्थान एलिफेंट हॉस्पिटल यहीं पे है। चुरमुरा प्रसिद्ध स्थल वृंदावन है, बरसाना है जहाँ पे लठमार होली खेली जाती है, दाऊजी है, नंदगांव है, गोवर्धन है, उसके बाद गोकुल, महावन, बलदेव, मानसरोवर, कोकिला वन और नौ झील, ये सब आपका यहीं पे अवस्थित हैं। अगला देखेंगे राधा व श्याम कुंड गोवर्धन, ये भी यहीं है। मानसी गंगा कुंड ताल गोवर्धन, ये भी यहीं है। कंस मेला, हरिदास जयंती मेला, मुड़िया मेला वृंदावन, श्रावणी व जन्माष्टमी मेला और भगवद गीता अनुसंधान संस्थान, ये सब आपके कहीं ना कहीं यहीं पे हैं। उसके बाद बात करते हैं वाराणसी की। बनारस आध्यात्मिक शहर उत्तर प्रदेश का है ना। देखिए किन किन के साथ सीमा साझा कर रहा है, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, ठीक है। उसके बाद देखें जरा इसमें वाराणसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, राजकीय मुद्रणालय, प्रदेश में चार, प्रदेश के चार में से एक है, डॉक्टर अम्बेडकर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, ये लालापुर, ये सब यहीं पे है, लाल बहादुर शास्त्री, बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंपॉर्टेंट है गाइस वाराणसी, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नाम से पहचान लेंगे, भारत कला भवन, रेशमी कपड़ा जो बनारसी साड़ी है उद्योग और प्रोफिट शिल्प, ये सब यहीं के हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये मडु आडी, ये आपका वाराणसी। मानसिक चिकित्सा संस्थान, हज हाउस, आभूषण उद्योग, पीतल बर्तन कलाई उद्योग, कालीन गलीचा, भारत माता मंदिर, ये सब यहीं पे हैं। उसके बाद मार्कंडे मंदिर, भारतीय ललित कला परिषद, लोक कला संग्रहालय, अन्नपूर्ण मंदिर, भोजपुरी भवन, राज्य हिंदी संस्थान और विश्वनाथ मंदिर, सब आपके यहीं के हैं। उसके बाद काल भैरव मंदिर, मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र, बाबा ट्रान विद प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मल्टी लीफ कॉलीमेटर, वाराणसी मंडल के अंतर्गत वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, ये सब जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये सब आपका यहीं पे है। उपनाम है इसका विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, राड़साड़, सीढ़ी नगर, घाट नगर, मंडा नगर, ये सब इसी के उपनाम हैं वाराणसी। ज्ञानवाणी मस्जिद यहीं पे है, ध्रुपद मेला यहीं लगता है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, कृषि पार्क जिसको कहा जा रहा है वो यहीं है। प्रदेश में निर्माणाधीन फॉरेंसिक छः लैब हैं, छः लैब में से एक यहाँ पे हैं। औंधी ताल ये आपका यहीं देखने को मिलता है। उसके बाद कछुआ वन्यजीव विहार, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है। और उसके बाद नकटैया मेला चेतगंज यहीं पे है। रथ यात्रा मेला वाराणसी से प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र में आप देखेंगे, सन्मार्ग, गांधी, मासिक पत्र पत्रिकाओं में, आपका स्वास्थ्य, जीवन शिक्षा, कहानीकार, नई तालीम और राजा बेटा, रानी बिटिया, शिक्षा जगत, शिक्षक, अंग्रेजी हिंदी, ये सब कहीं ना कहीं आप वाराणसी में पाएंगे। उसके बाद देखिए वैदिक विज्ञान केंद्र BHU में प्रस्तावित है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहीं ना कहीं वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि चावल अनुसंधान संस्थान, जो मैं बोल रहा हूँ नोट कीजिएगा, चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है, तो कटक, उड़ीसा के कटक में। अगर पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप ध्यान रखेंगे फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, लेकिन उसका क्षेत्रीय केंद्र पूछेगा तो वाराणसी। तीन पॉइंट मैंने आपको कहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखिए दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये भी आपका यहीं पे है। उसके बाद हम लोग रायबरेली की तरफ बात करते हैं, रायबरेली को समझते हैं हम लोग। तो आइए रायबरेली की तरफ बात करें। रायबरेली में आपको ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहला पॉइंट कि रायबरेली के साथ सीमा कौन कौन साझा कर रहा है। एक तो लखनऊ है, बाराबंकी, उन्नाव, फतेहपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ और आपका कौशाम्बी। जितने ज़िले आप देख रहे हैं इनमें आप पहले प्रमंडल में इसको बांट लीजिए, 18 मंडल हो गए है ना। 18 मंडल में एक मंडल को एक दिन का टारगेट बनाइए कि एक दिन में आपको एक मंडल कवर करना है। लेकिन जिन बच्चों की UPPCS की परीक्षा है अपकमिंग, तो वो ध्यान रखें कि अभी जैसा आपको बताया गया इसको उस तरीके से लेके चलिए आप लोग। लेकिन जो आपके आगामी परीक्षाएं होंगी वहां के लिए धैर्यपूर्वक डेली एक मंडल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 18 दिन के अंदर। और देखिए अगर आप इस स्पीड से चलेंगे तो हो सकता है 15 दिन में ही आपको पूरा यूपी का मैप आपके दिमाग में छप जाए, है ना। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, एक बार की मेहनत होगी और हमेशा अगला आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, फिर उसको बार बार देखते रहिए। अब देखिए रायबरेली के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है, इंडियन प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय रायबरेली,
भूगे ताल एवं विशेषा ताल ये भी आपका रायबरेली में है, लखनऊ मंडल में स्थित है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। रेल कोच का कारखाना कई बार एग्जाम में आता है, क्योंकि देश का तीसरा है यहाँ पे, तो देश के पहले और दूसरे कौन से हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग, छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। अगला देखिए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये भी आपकी रायबरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जिसको कहा जा रहा है ये भी आपका रायबरेली में है। अगला देखिए, रेल पहिया कारखाना ये प्रस्तावित है कहाँ पे, रायबरेली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च रामसपुर पक्षी विहार। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई की जो नहरें हैं वो सब रायबरेली में अवस्थित हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अखिल भारतीय ये भी आपका रायबरेली के अंतर्गत देखने को आता है। सो गाइज, ये था आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तथ्य सार। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जिसमें हम लोगों ने एक एनालिसिस के रूप में आपके सामने रखा, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने चर्चा करी, वो भी आप उसको उसमें अपडेट कर सकते हैं। और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई में निरंतर लगे रहिए, ये पढ़ाई आपकी एज ए तपस्या की तरह है, तो आपको कई सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और आप कर भी रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अपने अपकमिंग एग्जाम में सफल हों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।